इम्पैक्ट अकेडमी ऐप पर आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। टॉपिक हमारा डायमेंशनल फार्मूला। कौन सा है? डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डायमेंशनल फार्मूला से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशनल फार्मूला। तो हम देखेंगे प्यारे बच्चों, डायमेंशनल फार्मूले को हम हिंदी में बोलते हैं विमीय सूत्र। क्या टॉपिक हमारा? डायमेंशनल फार्मूला है, और डायमेंशनल फार्मूला को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विमीय सूत्र बोलते हैं। देखो, विमीय सूत्र जब भी हम निकालते हैं तो उसमें आपको फार्मूले का पता होना चाहिए। जैसे स्पीड है, स्पीड का फार्मूला मैंने आपको करवाया है, तो उसमें क्या है हमारा, क्या डिस्टेंस अपॉन में क्या है, टाइम है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, वही हमारा क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। फिर उसी का हम क्या निकालते हैं, विमीय सूत्र निकालते हैं। क्या निकालते हैं? विमीय सूत्र। देखो प्यारे बच्चों, विमीय सूत्र में हम तीन चीजें देखते हैं मोस्टली। क्या देखते हैं? तीन चीजें, एक तो m, एक l और एक क्या देखते हैं, t। m क्या है? मास। m क्या है? मास। ठीक है, मास। और l क्या है? लेंथ। क्या है? लेंथ। और t क्या है हमारा? टाइम। t क्या है? टाइम। टाइम मीन्स क्या है? समय। टाइम मीन्स क्या है? समय। थोड़ा ध्यान से समझना इसको। लेंथ है हमारी क्या है? लंबाई। लेंथ क्या है? लंबाई। और मास है हमारा क्या है? द्रव्यमान। मास क्या है? द्रव्यमान। ये ध्यान से समझना है। देखो, मास, द्रव्यमान, लेंथ, लंबाई, टी क्या हमारा? टाइम है प्यारे बच्चों। तो आप देखोगे, सबसे पहले हम बात करेंगे जो मास है, मास हम क्या लिखते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? किलोग्राम में। और लंबाई को किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। किसमें मेजर करते हैं? मीटर। और टाइम को हम, समय को हम किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। वैसे तो आवर्स के अंदर भी मेजर करते हैं, ठीक है, लेकिन हम यूनिट निकालते हैं तो इन चीजों को हम देखते हैं मोस्टली। तो आप देखोगे किलोग्राम जहां होगा, मानो आपको ये मिल जाए कहीं पर किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड, तो जहां किलोग्राम होगा वहीं पर हम क्या लिख देंगे? एम लिख देंगे। जहां मीटर होगा तो उसी को आप एल मान लेना, और सेकंड होगा वहां पर क्या लिख देंगे? टी लिख देंगे। दोबारा समझो, देखो डायमेंशनल फार्मूला हमारा क्या होता है? एम एल टी ऐसे होता है, एम वन एल वन टी माइनस वन, एम जीरो एल वन टी माइनस वन, इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाता है। तो हम देखते हैं वहां पर क्या है, तीन चीजें हैं। कौन सी? एक तो m और एक l और एक क्या है, t। तो आपको यह जानना है कि m l t क्या है। m क्या है? मास है, और हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। और l क्या है? हमारा लेंथ, लंबाई। और t क्या है? हमारा टाइम, समय। तो आप देखोगे मास है हमारा क्या है, किलोग्राम। और मीटर, लंबाई हमारी क्या है, मीटर। और टाइम हमारा क्या है, सेकंड। तो हम इसको किलोग्राम को m लिख देंगे, मीटर को l लिख देंगे, और सेकंड को क्या लिख देंगे, t लिख देंगे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद में हम देखेंगे, ध्यान से समझना, फिर उसके बाद में हम देखें तो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है यहां पर, कि जो किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड है, तो वही हम शुरू में देखेंगे, और उसके बाद में हम एमएलटी में निकाल लेंगे। जैसे अभी मैं कहूं आपको कि गति मतलब चाल, ठीक है, चाल, स्पीड का विमीय सूत्र निकालो, का विमीय सूत्र निकालो। यहां बेसिक से आपको यहां से समझना पड़ेगा, यहां से आप समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक है, आगे भी ऑटोमेटिक है, समझ जाओगे, ठीक है। गति चाल का विमीय सूत्र आप देखो, गति चाल का विमीय सूत्र निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? आपको करना पड़ेगा सबसे पहले फार्मूला। फार्मूला चाल का फार्मूला क्या है, स्पीड का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब दूरी अपॉन में क्या है, समय है। दूरी अपॉन में क्या है, समय। दूरी अपॉन में समय क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखो प्यारे बच्चे, डिस्टेंस है, डिस्टेंस आप किसमें मापते हो? डिस्टेंस को किसमें मापते हो? दूरी को किसमें मापते हो? दूरी हमारी लंबाई। लंबाई, लंबाई को किसमें मापेंगे? मीटर में मापेंगे। किसमें मापेंगे? मीटर में। और समय को किसमें मापेंगे? सेकंड में। तो आप देखो यहां पर है मीटर अपॉन में क्या आ गया, सेकंड आ गया। तो आप देखो जो चाल है, चाल का विमीय सूत्र निकालना चाहे हम, चाल का विमीय सूत्र निकालना चाहे, तो फार्मूला क्या बन गया हमारा, मीटर अपॉन में सेकंड हो गया। क्या हो गया? मीटर अपॉन में सेकंड हो गया, मीटर अपॉन में सेकंड। तो मीटर को हम क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? मीटर को क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। मीटर को क्या लिखते हैं? एल। और टाइम को क्या लिखते हैं? टी लिखते हैं। टाइम को क्या लिखते हैं? टी लिखते हैं। तो हमारा देखो प्यारे बच्चों, ये टी है, जब ऊपर आएगा, जब टी ऊपर आएगा, ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। तो एम क्या है? एम है ही नहीं। तो आप देखो एम है ही नहीं, हम डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी में मापते हैं, एम एल टी में मापते हैं, तो एम है नहीं, तो एम है नहीं, तो एम को हम क्या लिख देंगे? जीरो लिख देंगे। चाल का विमीय सूत्र है, तो वो क्या हो गया प्यारे बच्चों? एम जीरो एल टी माइनस वन, एल
टी माइनस वन, ठीक है। ये हमारा किसका विमय सूत्र आ गया, चाल का विमय सूत्र आ गया, किसका आ गया, चाल का विमय सूत्र। देखो एल है ये और टी ऊपर आएगा तो माइनस वन हो गया, तो हमारा क्या हो गया एम जीरो एल और टी माइनस वन हो गया, ठीक है। ये किसका विमय सूत्र हो गया, पहले बच्चों हमारा चाल का विमय सूत्र आ गया, हो गया। अब हम बात करेंगे आगे, किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे वेग की, किसकी बात करेंगे, वेग की, वेग, वेग मीन्स क्या है, वेलोसिटी, वेग क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेग है वो फार्मूला किसका होता है, वेग का फार्मूला क्या है, विस्थापन अपॉन में क्या है, विस्थापन अपॉन में हमारा क्या होता है, समय होता है, विस्थापन अपॉन में क्या है, समय, मतलब हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या है, टाइम, ठीक है। तो आप देखोगे वेग है हमारा, विस्थापन अपॉन में क्या है, समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है। विस्थापन का मैंने आपको बताया था मोशन चैप्टर के अंदर, मोशन में, कि विस्थापन हमारा क्या है, दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है वो किस में मापेंगे, मीटर में नापेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो वेग हमारा क्या हो गया, मीटर अपॉन में क्या हो गया, प्यारे बच्चों सेकंड हो गया, मीटर अपॉन में क्या हो गया, सेकंड, ठीक है। वेग हमारा क्या हो गया, मीटर अपॉन में सेकंड हो गया, तो वेग है मीटर अपॉन में सेकंड आ गया, तो यहां पर भी क्या था हमारा, मीटर अपॉन में सेकंड था, तो हमारा क्या हो गया, एल टी हो गया, हमारा क्या है, टी हो गया। तो वेग है वेलोसिटी का हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी का वेग, वेग का क्या हो गया हमारा, ऊपर आएगा ये टी, तो क्या हो गया, एल टी माइनस वन। यदि हम तीनों के इसको लिखना चाहे तो वेग में एम तो है ही नहीं, तो एम जीरो एल टी माइनस वन, ठीक है। एक बार इसको लिख दो आप अच्छी तरह से, जल्दी लिख दो, फिर हम आगे पढ़ेंगे। लिख दो जल्दी, फिर हम आगे पढ़ेंगे। देखें अब आगे देखें, तो ये आपने लिख दिया होगा कि वेग का हमारा क्या है और हमारा चाल का क्या है, तो नॉर्मल है बिल्कुल। प्यारे बच्चों जब भी हम विमय सूत्र निकालते हैं, विमय सूत्र निकालते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम एम एल टी देखेंगे, एम क्या है हमारा किलोग्राम और एल क्या है मीटर और सेकंड है, जहां पर किलोग्राम दिखे वहां एम लिख दें, मीटर दिखेगा एल और यहां पर सेकंड देखें टी, तो यहां पर आप देखो किलोग्राम है ही नहीं, मीटर सेकंड है, तो एल टी लिख दिया, टी ऊपर आता है एल टी माइनस वन, और यहां पर क्या है एम जीरो एल टी माइनस वन, सेम का सेम हमारा ये है क्योंकि एम जीरो एल टी माइनस वन। अभी ये आपको यदि समझ में आ गया तो आगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे सारे, तो इसी वजह से मैं इस पर थोड़ा फोकस किया। अब देखो आपने ध्यान कर लिया होगा कि जो वेग है, वेग, वेग का फार्मूला क्या बना है, वेग का एम जीरो एल टी माइनस वन बना है, क्या बना है एम जीरो टी, क्या बना है एम जीरो एल टी माइनस वन बन गया, ठीक है। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों त्वरण का, किसका देखेंगे, त्वरण का, एक्सेलरेशन का देखेंगे। एक्सेलरेशन क्या कहता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग परिवर्तन की दर है वो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर,
परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण वेग परिवर्तन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है हमारा? त्वरण है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारा त्वरण है। तो आप देखोगे प्यारे बच्चों यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में, तो सबसे बेहतर हमारा क्या रहता है वेग परिवर्तन की दर में? हमारा फार्मूला देखना है हमें सबसे पहले, बेहतर क्या फार्मूला देखना, मतलब सबसे पहले हमको क्या देखना है? फार्मूला देखना है। क्या देखना है? फार्मूला देखना है। त्वरण है हमारा क्या होता है? वेग अपॉन में समय होता है। क्या होता है? वेग अपॉन में समय, मतलब वेलोसिटी अपॉन में क्या है? टाइम है। वेलोसिटी अपॉन में टाइम है हमारा, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी में कितना बदलाव हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है, वो समय के अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। आप देखो प्यारे बच्चों, त्वरण है, त्वरण वेग है, वेग का तो हमने निकाल रखा था पहले m0 l t माइनस वन, और टाइम है, जो टाइम टाइम है उसको किस में लिखते हैं? हम सेकंड में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? सेकंड में। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? m0 l t माइनस वन, एक बार तो इतना ही लिख लो। और सेकंड को क्या लिख दे हम? t लिख दे। सेकंड को क्या लिखेंगे? t लिख दे, नॉर्मल सी बात है। सेकंड को क्या, टाइम को क्या लिखते हैं हम? t लिखते हैं सेकंड को। तो इसलिए जब ऊपर आएगा तो टी माइनस वन हो जाएगा, और माइनस वन माइनस वन तो क्या हो जाएगा? माइनस टू हो जाएगा। तो त्वरण का विमीय सूत्र है, त्वरण का एक्सेलरेशन का, इसको ए से डिनोट करते हैं, ए से नोट करते हैं। तो एम जीरो एल टी माइनस टू हो गया, एम जीरो एल टी माइनस टू हो गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये किसका हो गया? ये त्वरण का विमीय सूत्र हो गया हमारा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एम जीरो एल टी माइनस टू, ठीक है, सभी ने लिख दिया होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लिख दिया। अब देखो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? L1 लिख सकते हैं, M0 L1, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि L है हमारा, जब कुछ नहीं ऊपर तो इसका मतलब वैल्यू क्या है? वन है, तो L1 भी हमारा L ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला है हमारा, तो हो गए दूसरा वेग था हमारा, पहला चाल था, तीसरा त्वरण, चौथे नंबर में हम बात करेंगे बल की। बल क्या है हमारा? द्रव्यमान गुणा में त्वरण होता है। बल क्या है? द्रव्यमान गुणा में क्या होता है? त्वरण। द्रव्यमान गुणा में क्या होता है? त्वरण। मास इंटू में क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो आप देखो बल बराबर है हमारा, जो बल को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। कई बार आपने ध्यान किया होगा फोर्स को हम ऐसे लिखते हैं एम इंटू में ए। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ही, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ही हमारा क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है? एम ए। अब देखो यहां पर यह था हमारा वेग परिवर्तन की दर, क्या कहलाती है? त्वरण। और यहां पर हम देखेंगे, अब यहां पर हम देखें तो जो फार्मूला बनेगा हमारा जो बल का, तो देखोगे आप एफ है, एफ है, एफ है, और हमारा क्या मास, मास को हम किस में नोट करते हैं? किलोग्राम में। मास को किस में नोट करें? किलोग्राम में। और त्वरण है, जो त्वरण हमने निकाल रखा है, तो क्या है? एम जीरो, एम जीरो एल टी माइनस वन, एम जीरो एल टी माइनस वन हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एम जीरो एल टी माइनस टू हो गया, सॉरी टी माइनस क्या है? टू है, टी माइनस क्या है? टू। ये किसका है? त्वरण का है। एम जीरो एल टी माइनस टू हो गया, ये क्या है हमारा? त्वरण का है, ठीक है। अब देखो यहां पर किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? एम लिख सकते हैं। किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं? एम। किलोग्राम को एम लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद में हम देखें ये इसको एम जीरो लिख सकते हैं, और एल टी माइनस टू लिख सकते हैं, टी माइनस टू, ठीक है। तो इस रूप से आप देखोगे, देखो ये जरूर ध्यान रखना, एम जीरो है, जब एम के ऊपर क्या है? जीरो आ जाए तो वो वन होता है। कभी आप ये कह दो एम जीरो 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 आल जीरो जीरो हो गया, ठीक है, ऐसे मत कर देना, ठीक है। इसलिए हम देखो इसको एम वन मानेंगे, इसको क्या एम वन मान लिया, ऊपर है
वैल्यू इसको जोड़ दे दोनों की वैल्यू, क्योंकि गुणा है, दोनों की वैल्यू जोड़ दिया आपने तो भी हमारा क्या होगा, एम वन होगा। वरना वैसे क्या है, एम जीरो क्या होता है, एक होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एम वन ये तो हमारा क्या आ गया, एम वन आ गया, या अकेला एम लिख दो, एल वन और टी माइनस टू हो गया, ठीक है। एल वन भी लिख सकते हो आप, या अकेला ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, एम को एम लिख दिया, एल लिख दिया और टी माइनस टू लिख दिया, ठीक है। ये किसका आ गया, बल का विमीय सूत्र आ गया, किसका आ गया, बल का विमीय सूत्र आ गया प्यारे बच्चों, एफ एम एल टी माइनस टू हो गया ये, ठीक है। इस तरह से आपने ये देखना, ये किसका हो गया, बल का विमीय सूत्र हो गया। देखो यहां पर क्या था हमारा, वेग एम जीरो एल टी माइनस वन, और यहां पर क्या है, एम जीरो एल टी माइनस टू, और यहां पर क्या हो गया, अकेला एम आ गया, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। तो अब देखो हमने दूसरे नंबर, पहले नंबर पर तो क्या कर लिया था, चाल कर लिया था, और फिर दूसरे नंबर पर हमने क्या किया था, वेग, वेग का क्या है विमीय सूत्र, एम जीरो एल टी माइनस वन। फिर दूसरे तीसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा, तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा त्वरण का, त्वरण का, त्वरण में क्या है, एम जीरो आ गया, एल टी माइनस टू आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये किसका आ गया, त्वरण का। चौथे नंबर पर हमने पढ़ा बल का, किसका पढ़ा, बल का, फोर्स का, तो फोर्स का क्या है, एम एल टी माइनस टू हो गया, एम एल टी, क्या यहां पर क्या आ गया, केवल किलोग्राम आ गया, केवल क्या आ गया, किलोग्राम आ गया प्यारे बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, जो हमने देखना है पांचवें नंबर पर, दाब, किसी बात करेंगे, दाब की, दाब क्या होता है, प्रेशर, दाब क्या है, प्रेशर है, तो वो दाब का फार्मूला क्या होता है, दाब का फार्मूला क्या होता है, ये भी आपको ध्यान करना पड़ेगा। जो दाब का फार्मूला होता है, दाब का फार्मूला वो क्या है, प्रेशर है अपना क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स ही काम आ जाएगा इसका मतलब यहां पर। तो क्या हमारा फोर्स है, वो क्या है, फोर्स को क्या बोलते हैं हम, बल, बल अपॉन में क्या हो गया, क्षेत्रफल, बल अपॉन में क्या हो गया, क्षेत्रफल, ध्यान से समझना, बल अपॉन में क्या हो गया, क्षेत्रफल। तो यहां पर क्या है, दाब, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, जो फोर्स है, फोर्स, फोर्स हमारा क्या है, बल, बल, बल का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू में ए होता है, एम इंटू में ए, मास इंटू में क्या, एक्सेलरेशन, और यहां पर क्या है, जो क्षेत्रफल है वो उसको क्या बोलते हैं हम, लंबाई गुणा में चौड़ाई, एरिया को, क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्षेत्रफल को आप क्या बोलते हो, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, लंबाई गुणा में चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा में क्या है, चौड़ाई, और लंबाई गुणा में चौड़ाई है तो लंबाई को भी किस में मापते हैं, मीटर में, और चौड़ाई को भी किस में मापते हैं, मीटर में, तो मीटर, मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया ये प्यारे बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कभी ये सोचो कि मीटर स्क्वायर कैसे कर दिया मास्टर, तो ये आपको, ये क्या आ गया, एम इंटू में ए अपॉन में क्या हो गया, एम स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो फोर्स का हमने निकाल रखा है, बल का हमने निकाल रखा है, तो बल का क्या है हमारा, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, तो आप देखो एम एल टी माइनस टू है, तो यहां पर, यहां पर हम नीचे लिखेंगे मीटर स्क्वायर, मीटर को हम किस में मापते हैं, मीटर को, मीटर को हमारा लेंथ में मापते हैं, तो मीटर का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर हो गया, लेंथ में एल, एल में मापते हैं, तो एल का स्क्वायर हो गया, तो एल का स्क्वायर है, एल से कट जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, अकेला एल आ गया, अकेला एल आ गया, दो एल थे हमारे, और ये ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा क्या है, एम एम एल आएगा तो ऊपर माइनस में हो जाएगा, एल माइनस वन और टी माइनस टू, टी माइनस ये टू पहले ही था, तो हमारा क्या है, ये ध्यान रखा हो गया आप प्यारे बच्चों, दाब का क्या हो गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो गया, ठीक है। ये किसका था हमारा, दाब का विमीय सूत्र है, किसका है, दाब का विमीय सूत्र, ठीक है। कितने हो गए अपने, पांच हो गए, है ना। अब छठे नंबर पर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, छठे नंबर पर क्या आएगा, छठे नंबर का और देखते हैं, तो छठे नंबर पर आपको मैंने ध्यान हो, मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, ध्यान होगा पक्का, सरफेस टेंशन का, किसका, सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन क्या है, पृष्ठ तनाव है, क्या है, पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन क्या है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला है आप ये सोचते होंगे, तो देखो सरफेस टेंशन है, लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, ये होता है फोर्स अपॉन में लेंथ, मैंने आपने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, फोर्स अपॉन में क्या हो गया, लेंथ हो गया, तो फोर्स अपॉन में लेंथ है अपना, तो आप देखोगे तो यहां पर हम कह सकते हैं कि क्या हमारा, बल अपॉन में
क्या हो गया लंबाई, बल अपॉन में क्या है लंबाई, पृष्ठ तनाव क्या है बल अपॉन में लंबाई। तो आप देखोगे लेंथ है बल अपॉन में लेंथ, तो हम देखते हैं यहां पर फोर्स, फोर्स को हम क्या बोलते हैं एम एल टी माइनस टू, टी माइनस टू, और लेंथ को हम क्या बोलते हैं लेंथ को, लेंथ को अकेले लेंथ को हम क्या बोलेंगे एल बोलेंगे, सिंपल है। तो एल से एल कटा तो ये क्या आ गया एम एल जीरो, एल तो है ही नहीं कुछ, टी माइनस दो, टी माइनस दो, या हम इसको अकेला वन भी कर सकते हैं, एल से एल कटा तो वन आ गया, क्योंकि एम एल जीरो भी हमारा क्या होगा वन होगा। तो इसलिए हम देखते हैं पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र पूछ ले, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र पूछ ले, तो क्या हो गया विमीय सूत्र एम एल जीरो टी माइनस टू। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात आपको लिखनी है, एक बार लिख दो जल्दी, फिर आगे देखेंगे। लिख दिया होगा आपने, बिल्कुल आसान है, लिख दिया होगा। तो इस तरह से दाब का हो गया हमारा क्या हो गया, और सरफेस टेंशन का हो गया, किसका हो गया सरफेस टेंशन का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे आगे, छह छह हो गए, सातवां देखें हम, सातवें नंबर पर हम देखें तो एक होता है वरक कार्य, वरक कार्य कार्य, तो सभी को पता है प्यारे बच्चों जो वरक है, वरक वरक कार्य जो होता है W W से नोट करते हैं इसको कार्य, तो वो उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है हमारा, यह होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमारा क्या है बल अपॉन में क्या होता है विस्थापन, बल गुणा में क्या होता है विस्थापन होता है, बल गुणा में विस्थापन, फोर्स इंटू में क्या है डिस्प्लेसमेंट है प्यार बच्चों, फोर्स इंटू में क्या है डिस्प्लेसमेंट है, बल गुणा में क्या है विस्थापन है। अब देखो यहां पर बल गुणा में विस्थापन है, तो यहां पर बल का हमने देखा था, बल का विमीय सूत्र, तो बल का विमीय सूत्र हमने क्या निकाला था, देखो बल का हमने निकाला था एम एल टी माइनस टू, क्या निकाला था एम एल टी माइनस टू निकाला था। ठीक है, एम एल टी माइनस टू, विस्थापन का भी हम क्या बोलेंगे, विस्थापन क्या है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है
तो किस में मापेंगे, लेंथ में मापेंगे, तो हमारा क्या हो गया एल लिख लिया हमने यहाँ। या शुरू में आप मीटर लिख लो बेशक, इसको मैंने यहां लिख दिया मीटर, आप समझ जाओगे मीटर में मापेंगे तो एल हो गया हमारा। तो अब इसका क्या हो जाएगा एम, और एल गुणा में एल क्या, एल स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर तो टी माइनस क्या हो गया टू, तो ये किसका हो गया हमारा कार्य का विमीय सूत्र हो गया। क्या हो गया कार्य का विमीय सूत्र प्यारे बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी ठीक है, कार्य का विमीय सूत्र सभी को ध्यान रखना है। तो ये भी होता है, देखो एक और बात है, जो कार्य का विमीय सूत्र के अलावा जो कार्य का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी रहता है, फोर्स है, फोर्स की इकाई, फोर्स की इकाई क्या है बल की इकाई न्यूटन होती है, न्यूटन, और उसको क्या बोलते हैं मीटर, न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर है, तो इसको हम क्या कार्य को हम क्या बोल देते हैं, कार्य को हम बोल देते हैं न्यूटन मीटर, क्या बोल देते हैं न्यूटन मीटर, कार्य की इकाई क्या है न्यूटन मीटर है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से भी ये पूछ लिया जाता है ठीक है। और हम देखते हैं जो सरफेस टेंशन का भी इसी तरह से पूछ लिया जाता है, जो पृष्ठ तनाव का है, जो पृष्ठ तनाव का हमने क्या किया था, देखो पृष्ठ तनाव में बस इतना ही किया था, उसका फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, बल अपॉन में क्षेत्रफल है, सॉरी बल अपॉन में लंबाई है, बल अपॉन में लंबाई है, तो बल अपॉन में लंबाई है तो यहां पर बल की इकाई क्या है न्यूटन, न्यूटन है, अपॉन में लंबाई है क्या है मीटर, यहां पर क्या है मीटर, तो आप देखोगे ऊपर आओगे, ऊपर आएगा तो ये क्या है न्यूटन मीटर माइनस वन, न्यूटन मीटर माइनस वन, ये आप सेम का सेम लिख दो आप एक बार, फिर हम आगे करेंगे। लिख दिया हुआ प्यारे बच्चों ये भी। अब अगला देखते हैं हम, सात हो गया वर्ग कार्य, आठवां देखते हैं, आठवां, आठवां प्यारे बच्चों वो है हमारा पावर, क्या है पावर, पावर शक्ति, पावर शक्ति, शक्ति की का फार्मूला क्या है, शक्ति का फार्मूला, शक्ति का फार्मूला क्या है, शक्ति को हम क्या बोलते हैं, यहां लिख देता हूं रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है शक्ति, कार्य करने की दर क्या कहलाती है शक्ति कहलाती है प्यारे बच्चों। सभी को यह ज्ञात होगा, सभी को ज्ञात होगा, हम बोल देते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क हमारा क्या है पावर है ठीक है। तो आप देखोगे तो इसमें हम क्या बोल देते हैं कार्य अपॉन में क्या है, कार्य अपॉन में क्या होता है समय होता है फार्मूला इसका, कार्य अपॉन में क्या है समय। तो आप देखोगे कार्य अपॉन में समय मतलब वर्क अपॉन में क्या है टाइम है ठीक है। तो कार्य की इकाई क्या है प्यारे बच्चों जूल, कार्य की इकाई क्या है जूल, टाइम की इकाई हमारी क्या है सेकंड, क्या है सेकंड, टाइम की इकाई क्या है सेकंड। तो हमारा क्या हो जाता है इसको हम जूल को हम क्या लिख देते हैं एस जे, जे लिख देते हैं और ये क्या एस लिख देते हैं इसको, और जब ये ऊपर आता है तो जे एस माइनस वन हो जाता है, जूल सेकंड माइनस वन हो जाता है ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन हमको तो क्या निकालना है विमीय सूत्र निकालना है, हमको तो क्या निकालना है डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो विमीय सूत्र निकालेंगे तो विमीय सूत्र है तो आपको ने ध्यान किया हुआ अपने वर्क का जूल का जो वर्क का विमीय सूत्र निकालना था। विमीय सूत्र क्या है पूरा प्रोसीजर ने देख के पेपर में होगा तो पूरा करना पड़ेगा, तो यहां पर हम टाइम की बचत करते हैं तो एम एल एल टू टी माइनस टू, एम एम एल टू टी माइनस टू ये निकाला था। और जो सेकंड है जो नीचे जो सेकंड है
वो क्या है हमारा टाइम है, क्या है टाइम, तो टाइम को क्या लिख देते हैं टी लिख देते हैं। तो देखो एम एल टू और टी माइनस टू और गुणा में क्या हो गया टी माइनस वन आ गया, ठीक है। तो माइनस वन और माइनस वन है ये आपस में क्या हो जाएगी, तो ये जुड़ जाती है गुणा में होती है तो क्या हो जाती जुड़ जाती है तो क्या हो जाएगा हमारा एम एल टू टी माइनस थ्री है प्यारे बच्चों, एम टू एल टू टी माइनस थ्री, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये किसका हो गया पावर का हो गया, क्या हो गया पावर का, शक्ति की इकाई, शक्ति का विमीय सूत्र हो गया, शक्ति का विमीय सूत्र, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको लिख दो आप, लिख दिया हो आपने। अभी हम देखते हैं प्यारे बच्चों, कई बार ये भी होता है, कई बार फार्मूला दे दे, मानो आपको ये फार्मूला याद नहीं है, शक्ति बराबर कार्य अपॉन में समय है, ठीक है, और आपको ये कह दे कि जो जो पावर है पावर उसका फार्मूला ये है, आपको दे दिया खुद। देखो पावर का फार्मूला एक और होता है, पावर का फार्मूला एक और है, आप ये सोचोगे एक और कैसे कौन सा है, पावर का फार्मूला एक और होता है, शक्ति का फार्मूला एक और है, वो होता है बल गुणा में, बल गुणा में क्या होता है वेग होता है, क्या होता है बल गुणा में क्या होता है वेग। अच्छा ये आपको पहले ध्यान में नहीं होगा तो मैं बता दिया, फोर्स इंटू में क्या होता है वेलोसिटी होता है प्यारे बच्चों, फोर्स इंटू में क्या है वेलोसिटी, ठीक है। अब आप ये सोचते हो कि फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या इसका भी विमीय सूत्र वही आ जाएगा, चलो देखते हैं अभी आ जाता है क्या नहीं आता। तो फोर्स है, फोर्स का हमने क्या लिखा था, फोर्स का हमने लिखा था एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू है, लिख दिया। वेग का हमारा क्या था, वेग का हमारा क्या था, एम तो जीरो था, एम तो क्या था जीरो, एल क्या था, एल तो हमारा वन था, मतलब टी माइनस क्या था वन, तो इस तरह से हमने आपस में इसकी मल्टीप्लाई कर दी। ये तो वेग का है और ये क्या है बल का है, तो देखो एम जीरो और एम है ये क्या रह जाएगा एम ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा एम, क्योंकि एम जीरो क्या होता है एक होता है, यदि दोनों की गुणा भी करेंगे तो गुणा भी करेंगे तो ये ऊपर वन हो गया, ऊपर जीरो हो गई, वन प्लस में जीरो तो वन ही हो गया, ठीक है। और एल, एल कितना है एल और एल तो क्या हो गया एल स्क्वेयर हो गया, तो टी माइनस टू और माइनस वन तो क्या हो गया टी माइनस थ्री हो गया। तो इस तरह से तो शक्ति का इकाई, शक्ति की इकाई, शक्ति का विमीय सूत्र तुम्हारा ये भी आ सकता है एम एल टी माइनस टू, और यही हमने इसमें निकाला था, इसी फार्मूले से भी हमने क्या निकाला था एम एल टू टी माइनस थ्री, और यह भी हमारा क्या है, यह भी हमारा यही है एम एल टू टी माइनस थ्री, ठीक है प्यारे बच्चों। मतलब आपको समझ में आ गया कि इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो शक्ति है, जो शक्ति है शक्ति, तो यहां पर आप देखोगे शक्ति, शक्ति के बारे में आपने देखा, तो बल है, बल, बल को हम क्या बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं न्यूटन, लेकिन हम इसको फिर वेग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसको छोड़ो। तो वैसे बल को आप देखो, वैसे देखो इसकी इकाई देखो बल की, बल को हम किस में मापते हैं किलोग्राम, बल का फार्मूला क्या होता है, बल का फार्मूला होता है हमारा मीटर, सॉरी किलोग्राम इंटू में एम इंटू में क्या होता है ए, एम इंटू में क्या होता है ए, तो ये तो लंबा लंबा हो जाएगा भाई, ज्यादा समय लग जाएगा। तो इस तरह से इसकी यूनिट भी आप निकाल सकते हो, भाई किलोग्राम में मीटर स्क्वायर है तो इस तरह से है, या आप इस सीधा इससे निकाल दो, सीधा इससे निकाल दो शक्ति को, सीधा इससे निकाल दो, अपने विमीय सूत्र तो निकाल ही रखा है। तो एम है वो क्या होगा किलोग्राम होगा, क्या है किलोग्राम, मीटर का स्क्वायर, ठीक है, तो जो मैं बता रहा था भाई किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, सेकेंड का माइनस थ्री, इस तरह से भी यह होता है, मतलब इस तरह से भी पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान करना है, ठीक है। ये हमारा किसका कितने हो गए हमारे पावर समेत हो गए हमारे आठ हो गए, है ना। अब हम देखते हैं कुछ और चीजें, आपने ध्यान किया हो प्यारे बच्चों, कई बार ये पूछा जाता है
कि इसकी एसआई इकाई क्या है। देखो एसआई इकाई है, एसआई इकाई पूछा जाए तो हमारा क्या है, एसआई का मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, ये होता है। और आप देखो जब ये पूछा जाए कि भी एमकेएस इकाई क्या है, एमकेएस इकाई, एमकेएस इकाई मीन्स क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड, इसका मतलब क्या है, वो बड़ी इकाई पूछना चाह रहा है, क्या है, बड़ी इकाई पूछना चाह रहा है, तो एमकेएस। सीजीएस पूछना चाहे तो इसका मतलब वो क्या है, छोटी इकाई पूछना चाह रहा है, सीजीएस मीन्स क्या है, सेंटीमीटर, और हम देखते हैं ग्राम, और हम देखते हैं सेकंड, ठीक है। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे बल का उदाहरण ले लेते हैं, बल, बल फोर्स, बल की इकाई क्या है, बल की इकाई क्या है, इकाई, और एसआई इकाई पूछ ले, एसआई इकाई पूछ ले, एसआई या एमकेएस एक ही बात है ना, एमकेएस पूछ ले, वो क्या बोलते हैं, हम न्यूटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। और हम देखते हैं एक न्यूटन है, वो एक न्यूटन है, वो कितने डाइन के बराबर होता है, 10^5 डाइन के बराबर होता है, क्या होता है, 10^5 डाइन के बराबर होता है, डाइन के बराबर होता है, ठीक है, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। एक न्यूटन है वो किसके बराबर हो गया, 10^5 डाइन के बराबर हो गया। और हम देखते हैं ये पूछ ले कि बल की सीजीएस इकाई क्या है, बल की सीजीएस इकाई क्या है, सीजीएस इकाई, सीजीएस इकाई मतलब यूनिट क्या है, सीजीएस इकाई पूछा जाए, यूनिट पूछा जाए तो वो क्या है, हमारी डाइन है प्यारे बच्चों, क्या है, डाइन है, क्या, छोटी इकाई है, मतलब छोटी इकाई क्या है, डाइन है, ये सभी को ज्ञात होना चाहिए। ये था हमारा, क्या निकालते हम इससे, हम निकालते हैं कि किस तरह से हम सीजीएस और एमकेएस इकाई के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक बार लिख दो, फिर हम आगे देखेंगे। लिख दिया भाई ये, अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों, आपने ध्यान किया हो कि हम जो ऊष्मा है, ऊष्मा की बात करते हैं हम जब, तो ऊष्मा की बात करें, कार्य इकाई बात करें, कार्य इकाई है वो क्या बोली थी मैंने आपको, ध्यान होगा, कार्य इकाई यूनिट क्या है, जूल है, क्या है, यूनिट क्या है, जूल, मैंने आपको बताया था, ठीक है, जूल। तो ये जूल है जो, ये कौन सी बड़ी इकाई है क्या, हाँ बड़ी इकाई है। तो कार्य की एसआई इकाई या एमकेएस इकाई, एसआई या एमकेएस इकाई पूछी जाए, एमकेएस इकाई पूछी जाए, वो कौन है, वो कौन है, वो जूल है, वो कौन है, जूल है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्यारे बच्चों क्या है, एक जूल है, वो एक जूल, वो कितने अरग के बराबर होता है, एक जूल है वो 10^7 अरग के बराबर होता है, किसके बराबर, 10^7 अरग के बराबर होता है, ठीक है, 10^7 अरग के बराबर होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं एक जूल क्या है, 10^7 अरग के बराबर है। फिर हम पूछ ले पेपर में कि कार्य की सीजीएस इकाई कौन सी है, वो कौन सी है, हमारी सीजीएस इकाई अरग है, कौन सी है, अरग, अरग क्या है, अरग, ई आर जी है ये, अरग, ठीक है ये। और आपने ध्यान किया हो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, एक कैलोरी है वो किसके बराबर है, 4.2 जूल के बराबर है, इस तरह से भी क्वेश्चन एक पूछा है। वैसे तो एग्जैक्ट है, ये बोलते हैं कि एक कैलोरी है वो क्या है, 4.153 जूल के बराबर है, ठीक है, लेकिन हम क्या बोल देते हैं, 4.2 जूल बोल देते हैं, या ये बोल लो या ये बोल लो, कोई बात नहीं है, इतना अंतर नहीं है। ये है हमारा, पूछा जाता है कई बार जो कार्य की इकाई क्या है, जूल, कार्य की एसआई या एमकेएस इकाई पूछा जाए, जूल, एक जूल कितने बराबर है, 10^7 अरग के बराबर, और कार्य की सीजीएस इकाई पूछी जाए तो अरग है, और एक कैलोरी किसके बराबर है, 4.2 जूल के बराबर है, ये पेपर में पूछा जाता है कई बार, ठीक है,
ये लिख दिया होगा आपने। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, कई बार ये पूछा जाता है आवर्ती को, आवर्ती फ्रीक्वेंसी को, आवर्ती। वैसे तो हम उसमें पढ़ेंगे ध्वनि में आवर्ती फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आवर्ती की इकाई क्या है? आवर्ती की इकाई, बात चल रही है तो समय अपने पास में बचा है, तो हम यहाँ पर एक बार वहाँ रिवाइज हो जाएगा। हर्ट्ज होता है, क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवर्ती की इकाई क्या है? हर्ट्ज है, ठीक है। तो हम देखते हैं आवर्ती की इकाई हर्ट्ज है। कई बार ये पूछ लिया जाता है जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ है कि इकाई क्या है? वेवलेंथ की इकाई। वेवलेंथ को किस में मापते हैं? मुख्य रूप से किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉन्ग में। किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉन्ग में, एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में। फिर कई बार ये पूछा जाता है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि एक एंगस्ट्रॉम है वो किसके बराबर होता है? एक एंगस्ट्रॉम है वो होता है 10^-10 मीटर। ये कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि एक नैनोमीटर है वो किसके बराबर होता है? तो एक नैनोमीटर है वो एक नैनोमीटर, नैनोमीटर पूछा जाए, एक नैनोमीटर पूछा जाए, NM लिखते हैं इसको, तो वो क्या होता है? 10^-9 मीटर के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि एक मील है वो किसके बराबर है? एक मील है वो किसके बराबर है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक मील की हम जब बात करें किलोमीटर में निकालते हैं, तो वो हमारा क्या रहता है? मोस्ट ऑफ 1.61 किलोमीटर रहता है। वो क्या है? 1.61 किलोमीटर रहता है। ये कई बार पेपरों में पूछा जाता है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। नैनोमीटर वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो और तो हम तापमान में कर ही लेंगे, और तो हमने मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा कि हमने तापमान में करना है ये तो, और विद्युत धारा में हमने कर लिया, तापमान में केल्विन वगैरह में हमने देखना है, हम सारा है वो तो हम कर लेंगे, ठीक है, सारा का सारा हो जाएगा। और तो कोई इसमें ऐसा नहीं है जो आपका रह जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखना है प्यारे बच्चों। तो हम देखते हैं, तो एक नॉटिकल मील भी होता है 1.853 किलोमीटर, लेकिन इतना आप देखने की कोई जरूरत नहीं, मोस्ट ऑफ हमारा यहाँ तक पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है, और जो अक्सर पेपरों में पूछी जाती है, भूल चूक के कभी पूछी जाए तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन है वो +1 का है, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे +1 की, तो ये +1 के टॉपिक है, लेकिन ये पेपरों में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पहले नंबर पर हमने क्या पढ़ा था? गति का पढ़ा था, ठीक है, गति का पढ़ा था। दूसरे नंबर पर हमने किसका पढ़ा? वेग का पढ़ा। दूसरे नंबर पर किसका पढ़ा? वेग का। फिर तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा त्वरण का, ठीक है, त्वरण से ही हमारा किसका निकल गया? बल का निकल गया। चार नंबर पर हमने क्या पढ़ा? बल के बारे में पढ़ा। पांचवें नंबर पर हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? पांचवें नंबर पर हमने पढ़ा दाब, और छठे नंबर पर सरफेस टेंशन, फिर सातवें नंबर पर हमने वर्क का पढ़ा, और आठवें नंबर पर हमने पावर का पढ़ा। पावर, फिर पावर की हमने दूसरे तरीके से भी इसको निकाल के देखा, फिर हमने MKS और CGS इकाई के बारे में हमने जाना, और फिर उसके बाद में हम कार्य की इकाई है वो किस तरह से निकालते हैं, और फिर हमने आवर्ती और कुछ ये छोटे छोटे पॉइंट हमने देखे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से आप लगे रहो, मेहनत करते रहो, और सिंपल सिंपल टॉपिक है, और सिंपल सिंपल तरीके से मैं करवा रहा हूँ, बिल्कुल मतलब हाई लेवल के टॉपिकों को भी मैं सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ। यदि आप रेगुलर मेहनत करते रहोगे और सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बनाते रहोगे, तो सिलेक्शन श्योर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।